15 का श्लोक नंबर 14 चौथा चल रहा है, यहाँ देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ देखिएगा 4 में। अब कहता है और गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन तुझे वो संत मिल जाना ही सारे ब्रह्मंडों के बारे में, तीनों भगवानों की व्यवस्था रही, ब्रह्मा विष्णु महेश की सही बताने वाला, उसके पश्चात उसके चरणों में गिर जाना, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को बली भांति खोजना चाहिए, उस परमेश्वर की तलाश करनी चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते, जिनका जन्म मृत्यु फिर नहीं होती, और जिस परमेश्वर से सब ब्रह्मंडों की रचना हुई है, जिसने सारी सृष्टि को रचा, अर्थात इस पुरातन संसार वर्ष की जिस परमात्मा ने या प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मंडों को रचा है, और उसी आदि पुरुष उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं भी उसी के अधीन हूँ, ये ब्रह्म कहता है, मैं भी उसके दास हूँ, मैं भी उसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ, वो मेरा सुप्रीम बॉस है, मैं भी उसी की शरण में हूँ, और इस प्रकार इस दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, अपनी नहीं बताता, उस परमेश्वर की। अब वैसे तो मैंने बार बार बहुत बता चुका हूँ, ये सीडी आप ले लेना, इसमें भी आपको बहुत व्याख्या होगी। अब नंबर आता वेदों का कि वेदों में परमात्मा साकार है और वो उसका नाम कबीर है। आप देखिएगा सबसे पहले मैं आपको ऋग्वेद दिखाऊंगा, ऋग्वेद जो महर्षि दानंद जी द्वारा एक आधा ऋग्वेद उनके द्वारा टीका है, दानंद जी ने जब वेदों का सरलार्थ प्रारंभ किया विक्रमी संवत 1934 में। अब देखिएगा इन्होंने सबसे पहले वेद को ऋग्वेद को प्रारंभ किया, उसके बाद आधा इसको छोड़ के फिर यजुर्वेद को प्रारंभ किया इन्होंने, क्योंकि ऋग्वेद बहुत लंबा था और यजुर्वेद थोड़ा छोटा वेद है। तो इस महापुरुष ने जब इस पवित्र शास्त्र का अनुवाद प्रारंभ किया तो महात्मा जी ने स्पेशल टिप्पणी दी है कि भाई जहाँ अग्नि शब्द होना उसको परमात्मा का बोध परमेश्वर समझना चाहिए, वैसे तो अग्नि बिना अग्नि माने आग सब न बेरा है, और उसका धार्मिकता के आधार पर आध्यात्मिक शब्द तो संत ही बताते हैं। तो उन्होंने विशेष टिप्पणी दी, देखिएगा आपके सामने, और यही बुरा लग रहा मेरा, मैं तो ज्यों की त्यों पढ़कर सुनाऊं सो और फिर पेट में दर्द होता, भाई कमाल की बात है, क्यों दुख क्यों है, पहले देखते लो दास ने कोई गलत तो नहीं कहा। अब देखो आपके सामने प्रथम मंडल महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा टीका है इसका, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इन्होंने जब इसका प्रारंभ किया तो पहले सबसे पहले अग्नि शब्द से ही ये पवित्र शास्त्र प्रारंभ होता है, ऋग्वेद भाषा भाष्य प्रथम मंडल प्रथम सूक्त ये अग्नि शब्द से ही प्रारंभ होता है, ये भगवान के उपमातक नाम होते हैं। और इसमें क्या लिखा है इन्होंने, यहां देखिए टिप्पणी में कि यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि और आदि नाम करके सचिदानंद घन आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए इत्यादि सतपद ब्राह्मण के प्रमाणों से भी अग्नि शब्द ब्रह्म यानी परमात्मा और आत्मा इन दोनों शब्दों का वाची है, अर्थवाची है। इस प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक प्रजापति नाम से ईश्वर का ग्रहण करना होता है। इस मंत्र के सत्याचरण से नियमों से ये का जो यथावत पालन करता है सो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस
ऋग वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज प्रकाश होने करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। स्पष्ट कहते हैं कि अग्नि शब्द जहां मिला है तो उसको परमात्मा मानना। इसके साथ साथ सत्यार प्रकाश भी आपको दिखाता हूं, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही विशेष प्रमाण दिया है। जब उन्होंने सत्यार प्रकाश को प्रारंभ किया प्रथम समुल्लास में, अब दास यहां असमंजस में है, इसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, कोई बुराई नहीं हुआ करती इसमें। अतः सत्यार प्रकाश है महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित आयुर्वेदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर से प्रकाशित है। महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर, इन्होंने पहले ही प्रथम ही समुल्लास में टिप्पणी दी है। विशेषकर ये प्रथम समुल्लास यहां से प्रारंभ होता है और यहां इसके दूसरे ही पृष्ठ से, यहां देखो नीचे, ओम ओम आदि नाम सार्थक है, जैसे ओम खम आदि आदि। आगे देखो, ओम आकाशवत व्यापक होने से, खम सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को अंतिम यानी परमात्मा मानते हैं, ब्रह्म ईश्वर का नाम, इसलिए ब्रह्म है, ओम उसी का नाम है ब्रह्म का। आगे देखो, आगे ये तो हो गया फाइल, अब यहां आगे चलो, यहां ऊपर देखो, इधर ऊपर लो, यहां ये प्रथम समुल्लास 20 पृष्ठ पे है कि और सब प्रकाश होने से परमात्मा स्वयं प्रकाशित है। देखो, और सब प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सब का पालन करने से प्रजापति, और परमेश्वर वैश्वर्य वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। आगे देखो, ये सब अग्नि क्यों है, सब प्रकाश होने से, और सबसे बड़ा सबका व्यापक होने से विष्णु आदि। यहां देखो फिर इसी के दूसरे पृष्ठ पाइए, अब यहां अग्नि शब्द, यहां देखो इधर से, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। नीचे देखो, इसका क्या अग अगि एण, अगर गतार्थक धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। आगे देखो, जो संस्कृत छोड़ के हिंदी बोलूंगा, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर, ये देखो ऊपर देखो पृष्ठ नंबर ये 21 है और ये 22 देखो, इसलिए परमेश्वर का नाम 22 पर नाम अग्नि है। यानी जहां भगवान का नाम अग्नि मिला है उसको परमेश्वर समझना, वो परमेश्वर का बोध कराता है। अब ईश्वर का नाम तो है, अब डट जाओ बैठ जाओ आराम से, कोई बात नहीं। अब देखो यही स्पष्ट हो जाएगी, डट शांति राख, थोड़ी सी शांति राख। अब देखो यही, फिर देखो जानते, ये भी नाम परमेश्वर का है, ये भी नाम परमेश्वर का, ऐसा कहना चाहते हो ना? हाँ ठीक है। अब देखो, अब ये वही श्यामवेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद महर्षि दानंद जी द्वारा भाषाभाष्य है और इनका प्रारूप थोड़ा बड़ा बना दिया, और ये श्यामवेद भी है इसी में, और ये किसकी द्वारा कहां से प्रकाशित है ये भी देखो, ये है प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली, यहां से ये प्रकाशित है।
और यहाँ देखिएगा, इस स्वामी जी ने, वेद भिक्षु जी ने इसका टीका किया श्याम वेद का, और इन्होंने महर्षि दानंद जी के दृष्टिकोण को मध्य नजर रखते हुए इसका टीका प्रारंभ किया कि जहां अग्नि शब्द हो उसको परमेश्वर का नाम समझना, ये भी नाम परमेश्वर का है। अब देखो शांतिपूर्वक सुनो, कोई बात नहीं, दास यही तो चाहता है कि मुझे गलती का पता लगे, यही चाह रहा हूं मुझे गलती का पता लगे, कोई बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब देखो ध्यान, रड़ाओ ना रोड़े में इसने। अब ये देखो श्याम वेद, ये महर्षि दानंद जी की आधार पर टीका किया गया। देखो ये श्याम वेद प्रथम श्लोक है, अग्नि माने ईश्वर, देखो ध्यान से, अग्नि माने ईश्वर, आड़े देखो प्रथम श्याम वेद के पहले श्लोक में और दूसरे में, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ई परमेश्वर, आगे देखो अग्नि माने, ऊपर देखो अग्नि माने परमेश्वर ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, और नीचे देखो अग्नि माने परमेश्वर, और इसमें ढेर सारे जो के तो है, कोई बात नहीं। अब देखो यजुर्वेद का जो प्रारंभ किया महापुरुष ने, यजुर्वेद को देखेंगे अब हम इसको, इसमें अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि तनुवसी परमात्मा सह शरीर ऐसा लिखा है। अगर फिर भी गलत है कोई बात नहीं, फिर ठीक कर लेंगे, जब दास ने कोई गलती कह दी होता है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है। मैं तो बच्चा हूं आपका, और गलती हो भी जाए मेरे तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर देख लेंगे, फिर देखेंगे, ठीक कर लेंगे इसको। ये देखो प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। अब इन्होंने जब ये प्रारंभ किया, ये अथर्व श्याम वेद का ना यजुर्वेद का ही देखिएगा, प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय, और इधर देखो श्लोक नंबर मंत्र नंबर, नीचे देखो मंत्र नंबर 5 में क्या लिखा है, अग्ने अग्ने माने परमेश्वर, सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर। अच्छा और देखो कई जगह इनमें, कम से कम 50 जगह इन्होंने अपने हाथ से अग्ने माने परमेश्वर लिखा। अब 15वें श्लोक में, इसी प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में क्या आ गया, अग्ने तनुरसी। अब तनु माने तो दास ने देखा शरीर है, डिक्शनरी में भी और महापुरुष ने भी तनु माने शरीर लिखा है, अग्ने मेरे समझ में नहीं आया, अग्ने माने फिर इन्हीं के लेख देखे सारे, जब पता चला अग्ने माने परमेश्वर है। ये देखियो अब ये अध्याय नंबर प्रथम का, और ये देखो मंत्र नंबर 15 है, अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है परमात्मा, सह शरीर है। दास की ये सोच है, उसका गलत भी होया, और महापुरुष ने इसका यहाँ पर सरलार्थ नहीं कर रखा, 125 वर्ष हो गए इसका प्रकाशन हुए ने, अभी तक आर्य समाज इसको देख नहीं सका इसमें क्या त्रुटि है, देख लो। ये देखो भाई अग्ने तनुरसी कहीं नहीं, इसमें ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, यहां देखो, ये देखो, और यहां देखो, यहां देखो, इसमें कहीं अग्नि शब्द या अग्नि का कहीं विचार जिक्र नहीं है, ये शब्द छोड़ रखे 11-12। अब आगे चलो 5वें अध्याय के पहले श्लोक में फिर 2 बार आ गया भगवान सह शरीर है,
अब ये बात हुई आपकी केवल संघर्ष की, सच्चाई को छुपाने वाली, अब नहीं छुपाई है किसी तरह। ये तो समाज ने फैसला करना, पर मेरे से थोड़ा होगा, मैं कहूँ ये चश्मा तुमको नहीं है, इसका क्या फैसला हो फिर? ये देखो पंचमाध्याय, यहां दो बार लिखा इकट्ठा ही, अग्ने तनुरसी ईष्णवे तवा सोमस्य तनुवसी। अब यहां देखो महर्षि जी ने क्या लिखा है, हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्ने, बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। और दास ये कहता, अगर यहां अग्ने माने परमेश्वर लिख दिया और तनु माने शरीर है, असी माने है, जैसे सौ जगह लिख रखा, अगर यहां भी ऐसा लिख दिया जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी। अब यहां नहीं हो सकता, देखो आपके सामने है ये। और सोमस्य देखो, सोमस्य माने सत पुरुष का। अब यहां देखो, इसी में ये तो भाई सामने गां खड़ी कर देने का, हम तो मानना नहीं, बताओ उसका क्या फैसला हो फिर? ये तो समाज ठीक है, तुम्हारा ठीक है तो ठीक सही, मैं कोई गलत टिप्पणी तो नहीं करा, महर्षि जी ने ऐसा लिखा मैं ये मानता हूं, इसमें रोड़ा क्या रहेगा आपका हमारा, झगड़ा ही नहीं। ये तो समाज ने फैसला करना, तुमसे अच्छा लगे उसका स्वीकार कर लेंगे और ना लगेगा ठीक है, इसमें चाचा करण की क्या बात हुई? ये देखो इसी पांचवें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वामी जी सोम माने जगदीश्वर, अध्याय नंबर 5 देखो, और यहां सोमस्य 35 नंबर मंत्र में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, और सोमस्य कर दे जगदीश्वर का, कोई गलत नहीं, दास की अथॉरिटी, और ये भी पढ़े लिखे बहन भाई हैं, कोई गलत थोड़ा ही कर सके हम। अब देखो विष्णुवे तवा, विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा का, वे स्वयं कहते हैं विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा, तवा माने उसका, आप स्वयं, सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। और वो कौन है, कैसा है, पांचवें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है इसी के में कि उसका नाम कबीर है और वो रित धाम सतलोक में रहता है। मैं तो अपनी बता रहा हूं कि मैंने ऐसे समझा है, शायद ये गलत भी हो सके, और ठीक है तो समाज मान लेगा, गलत है तो कोई बात नहीं, मत स्वीकार करो, कोई पाबंदी थोड़ी किसी पर, मैं बताऊं वो फाइनल ही है, या जिस महापुरुष ने लिख दिया वो फाइनल ही है। अब पंचमो अध्याय ना देखो, ये 32वां मंत्र, उसी गसी वो कबीर अंगारी असी। अब यहां इन्होंने कबीर का अर्थ कान पर जय कर दिया, कवि माने कान पर जय। और यहां देखो, फिर देखो वो कौन है, अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाला, पापों का दुश्मन। यहां देखो, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं, अंगारी माने मेरे हिसाब से ये बनता है, डिक्शनरी देखी दास ने 5, अग माने पाप, अरी माने शत्रु, अंगारी माने पापों का दुश्मन, पाप कर्मों को समाप्त करने वाला, खत्म करने वाला, इन्होंने लिखा जैसा कोई बात नहीं, शत्रु, कोटे चैनल वाले जीवों का शत्रु। फिर बमबारी माने, देखो बमबारी माने बंधनों का शत्रु, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों का शत्रु, बंधन काटने वाला, कर्म दंड को समाप्त करने वाला, कर्म के बंधन को समाप्त करने वाला, खत्म करने वाला, हम उसे बंदी छोड़ कह देते हैं। सिर्फ इतना दास की सोच ये है, गलत है तो कोई बात नहीं, वो मेरे पास रहेगी, आपकी आपके पास है। अब नीचे देखो, रित धामा, रित धामा हम कहते हैं वो सतलोक में रहता है, और महर्षि जी ने कहा सत धाम युक्त है, वो सतलोक में है, कोई ऐसा स्थान है जो सदा रहने वाला, वहां वो परमात्मा सवर ज्योति है। ये देखो सवर ज्योति, दास ने कई डिक्शनरी मिलाई, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है, मेरी ये सोच है, अगर ये ठीक है तो बहुत अच्छा है, समाज इसको स्वीकार कर ले, और दास अपनी बता रहा है इसको मानना है तो माने, नहीं माने तो कोई दबाव नहीं किसी पे। और मैं तो इन महापुरुषों को गलत भी नहीं कह सकता, मेरी इतनी बुद्धि कहा, मैं तो इन्हीं के द्वारा लिखे हुए टिप्पणी के आधार पर आपके सामने बता रहा हूं, शायद ऐसा हो जाए तो उन महापुरुषों से मिल जाए थ्योरी जिन्होंने आंखों देखा परमात्मा को कि सतलोक में सह शरीर है और वो कबीर है। अब इन्होंने कवि का अर्थ अपसर्ग लगा कर और कवि माने कांत पार्ज्य कर दिया। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब यजुर्वेद है, इसके हम हटा दें यहां पे अपसर्ग लगा दें और ये रह हटा दें,
और इसका अर्थ कर दे इस यजुर्वेद की महिमा गावे कोई, एक बहुत अच्छी पवित्र पुस्तक है जिसमें यज्ञ सतुतियां हैं, और उसमें लिख दे लिखते आ जाए कि जहां पर आओ वो यजुर्वेद है जिसमें सारे गुण बताए, और वहां लिख दे यजु, इसके अवसर लगा कर यजु का अर्थ कर दे यज्ञ सतुतियां, और वेद माने ज्ञान, यज्ञ सतुतियों का ज्ञान, तो उस कैसे ढूंढा उस पुस्तक ने, या लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद है जिसमें ये गुण बताए गए। दास की ये सोच है, अगर वहां लिख दे वह कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, तो उसको ढूंढा जा सके, क्योंकि परमात्मा है वो शरीर में है, और उसकी विधि भी कोई और संत बताओगा, वेदों में वर्णित नहीं है, वेदों में केवल ब्रह्म तक का ज्ञान, उसी से होने वाली उपलब्धि है, और वेदों के आधार यही कबीर परमात्मा ने बताई है, और यही वेद बताते हैं कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, और जन्म मृत्यु मिटैनी कर्म दंड कटैनी, वो तो और परमात्मा है कबीर, और उसका कोई संत मिलेगा वो बताओगा इसकी सत भक्ति, और वही मंत्र जानता है, वो तीन मंत्र हैं, ओम तो ब्रह्म का मंत्र है, और एक मंत्र जैसे ओम तत्सत पवित्र गीता में लिखा है, ये तीन मंत्र जो है उस पूर्ण परमात्मा के पाने के हैं, ओम तो ब्रह्म का और तत् परब्रह्म का, एक और मंत्र है वो तत् नहीं, तत् या सांकेतिक है, और सत वो भी सांकेतिक है, वो पूर्ण ब्रह्म का। आप देखो अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही प्रमाण दिया है कि उस परम पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए अर्जुन क्यों अपनी तबीयत, वो बता रहा है कि मेरी तो ओम नाम का जाप है। पहले ये देखो 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें ये ब्रह्म स्वयं बोल रहा है वेदों को, गीता को भी और वेदों को भी, ये कहता है कि मेरा जो पूजा है ना वो तो केवल एक ओम नाम के जाप की, और कोई मंत्र है कोई नहीं। यहां देखो अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13, ये मंत्र नंबर 13 संस्कृत देखेंगे हम, ओम इति एका अक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारन अनुसमरण, होय होय मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम नाम है, एक अक्षर का ओम नाम, और दूसरा मंत्र को नहीं, और इसको भी कैसे जपना है, या प्रयाति तजन देहम अंतिम श्वास तक इसका जाप आपने करते रहना होगा, तब मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा, और अपनी परम गति को ये भगवान ब्रह्म कहता मेरी तो घटिया है अनुतम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, अब यहां चलिएगा, अब ये उसके लिए बताता है अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, मंत्र नंबर 23 ऊपर देखो संस्कृत देखेंगे, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है, पूर्ण परमात्मा के पाने का तो वो तीन मंत्र का जाप है, ओम ब्रह्म का, तत् ये दास बताओगा कोई और मंत्र है वो पर ब्रह्म का, और सत वो पूर्ण ब्रह्म के, ये तीन मंत्र के जाप का निर्देश है, यानी और जाप नहीं है केवल यही मंत्र है उस परमात्मा के पाने का, तो वो ये दास बताओगा। कोई बात नहीं, अगर दास की टिप्पणी से किसी को खेद हुआ है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंची है, करबद्ध होकर क्षमा याचना करता है, दास की प्रार्थना के एक बार फिर देख ले सहानुभूति पूर्वक, इनको फिर मिला लो, कट्ठे बैठ कर मिला लो, ऐसे खेचा तानी मत करो, कौन बड़ा कौन छोटा, दो दिन का जीवन, कल मर जाएंगे, परसों के देव बनेंगे, शास्त्र भी विरुद्ध साधना हुई थे, तो इसलिए प्रार्थना है मेरी और दास की, ये मजबूरी होगी सत को खुल्लम खुल्ला कहने की, अब चाहे सिरदर्द की बात जी है तो भाई सच्चाई सामने लानी पड़ेगी, कभी न कभी किसी ने तो बीड़ा चाबना ही पड़ा करे। बोलो सतगुरुदेव की जय।